दोस्तों हम सभी के घरों में दही का प्रयोग अक्सर ही होता रहता है। वही ये बात भी सच है कि दही हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। दही को स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। वहीं ये भी बता दें कि अगर आप हर रोज एक कटोरी दही खाएंगे तो उस व्यक्ति की पाचन क्रिया भी सही रहेगी। दही में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी ओर अगर बात करें भारत की, तो परंपराओं में भी प्राचीन काल से ही लोग घरों में कई बार दही का प्रयोग करते आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दे चले कि दही का प्रयोग केवल खाने में नहीं बल्कि शुभ कार्य में भी होता है। इतना ही नहीं, आपने कई बार देखा भी होगा कि किसी जरूरी काम पर जाने से पहले व्यक्ति को दही चीनी खिलाई जाती है। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके अलावा दही हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये ना ही केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं बल्कि हमें सुंदर दिखाने में भी हमारी मदद करता है। इतना ही नहीं, आप चाहें तो इसे ब्यूटी मास्क के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दही की सबसे खास बात यह है कि सस्ता होने के साथ साथ ये आसानी से हर जगह उपलब्ध भी होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि दही में कई सारे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। जी हाँ, मेडिकल साइंस की माने तो अगर एक कप दही में आप जीवाणु की गिनती करेंगे तो करोड़ों जीवाणु नजर आएंगे। दरअसल दही में छोटे छोटे करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इतना ही नहीं, इन बैक्टीरियों को केवल लेंस के माध्यम से देखा जा सकता है। जब आप लेंस लगाकर देखेंगे तो बैक्टीरिया आपको जीवित अवस्था में इधर उधर घूमते नजर आएंगे। इन बैक्टीरियों को शरीर के लिए अच्छा माना जाता है और इनका शरीर में जाना फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आप मीठा दही खाएंगे तो ये बैक्टीरिया आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। वहीं आपको शायद ये नहीं पता होगा कि अगर आप दही में एक चुटकी नमक भी मिला दे तो एक मिनट में सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे और उनकी लाश ही हमारे अंदर जाएगी, जो कि किसी काम की नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप 100 किलो दही में एक चुटकी नमक डालेंगे तो दही के सारे बैक्टीरिया गुण खत्म हो जाएंगे। यानी कि नमक में जो केमिकल्स है वह दही के अंदर अच्छे जीवाणुओं को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। इसलिए अगर आप दही का सेवन करते हैं तो उसमें चीनी या फिर गुड़ डालकर या फिर सादे दही का ही सेवन करें। अधिकतर घरों में रायते के रूप में इसका इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दही में चीनी, गुड़ या नमक डालकर खाने की आदत होती है। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि दही में नमक डालकर क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों आप में से कितने लोगों ने दही में नमक डालकर खाया है या अभी भी खाते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आज से ही दही में नमक डालकर खाना बंद कर दें। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी और जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।